काशीनाथ को मनाने का सबसे प्रिय माह श्रावण मास कल से लग रहा है और कल ही सावन का सोमवार प्रथम सोमवार है। भगवान भोलेनाथ को खुश करने का महीना श्रावण मास होता है। इसमें आप जो कुछ भी चढ़ाएंगे उसका तिगुना चौगुना हजार गुना वापस लौट करके आपको फल प्रदान मिलेगा। इसमें बहुत कुछ आप अर्पण कर सकते हैं, बहुत कुछ विधि विधान है जो इससे आप मिला करके पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन यथाशक्ति वथा भक्ति, आपके पास मान लीजिए बहुत कुछ नहीं है विधि विधान करने के लिए, मान लीजिए अगर आपके पास उतनी शक्ति नहीं है कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर सके, तो आप भगवान को जलाभिषेक ही कर सकते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। बस भगवान को तन मन धन और हृदय से अंतर ध्यान करके के भगवान की पूजा करें। अंग सोमवार में प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान शंकर, ऐसा कोई बात नहीं कि नया कपड़ा पहनना है, जो आपके घर में कपड़ा स्वच्छ कपड़ा मतलब धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद थाली में सब सामान रख लें, जैसे बेलपत्र, घी, शहद, पान का पत्ता, उसके बाद जो है आप गेहूं चढ़ा सकते हैं, एक स्वार दाना, लिंग पर आप कच्चे चावल, जो कच्चा चावल अर्थात जो है अखंडित चावल, कोशिश करें आपकी जो है 108 गिन करके, जो कुछ भी चढ़ाएं 108 गिन करके चढ़ाएं आप, ठीक है। चावल चढ़ाने से संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त होती है। फिर आप शंकर भगवान को दूसरा एक चढ़ा सकते हैं तिल, तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। पर जल चढ़ाने से जो अभी वर्तमान में जितनी परेशानियां चल रही हो परेशानियां दूर हो जाती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से गेहूं, कोशिश करें कि जब भी चढ़ाएं सिंगल न चढ़ाएं, 108 शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से बिना उसमें कुछ डाले घर में अगर किसी सदस्य को तेज बुखार है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भगवान से विनती करें तो बुखार कम हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में शक्कर मिला करके चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है, जैसे जो लड़का पढ़े लिखे में कमजोर है उसका दिमाग तेज चलने लगेगा। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, अगर कोई व्यवस्था नहीं आपके पास, तो सिर्फ जो है जलाभिषेक करिए। जलाभिषेक करने से यह परिणाम मिलता है आपको, समस्त भौतिक सुखों को भोग करके आप मोक्ष को प्रदान होते हैं। शिवलिंग पर देसी गाय से बना घृत चढ़ाने से अगर आदमी कोई दुर्बल है, शारीरिक दुर्बलता है, तो वह दूर हो जाती है। हर हर महादेव, नियम से, शुद्ध से भगवान श्री शंकर भोलेनाथ का सब सुख प्रदान करने वाले सोमवार शंकर भगवान का पूजन करें आप। अगर कुछ नहीं है तो जलाभिषेक ही करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ऐसी ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।